दोस्तों ये परसेंटेज टॉपिक का टाइप टू है। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज का बेसिक और पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर परसेंटेज की पहली वीडियो देखें। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप टू में। टाइप टू में जो चीज़ हमें सीखनी है, जो ट्रिक हम सीखेंगे, उसमें इफ ए इज आर परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। कह रहा है कि ए बी से आर परसेंट ज़्यादा है तो बताओ बी ए से कितने परसेंट कम है। अगर ए, मान लीजिए कोई ए है और बी है, उसमें बोला गया है कि ए जो है वो बी से आर परसेंट ज़्यादा है, तो अगर ए ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बी ए से छोटा होगा। तो यही पूछा गया है, अगर ए बी से ज़्यादा है तो बताओ बी ए से कितने परसेंट कम है। तो इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और मैं आपको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इसको बेसिक से सॉल्व करें, इस वजह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग इसको एक सेकेंड से भी कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अभी इस पे एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखें, इसमें बोला गया है इफ ए इज आर परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं ए और बी, इसमें कह रहा ए जो है वो बी से छोटा है, लेस है, यानी कि बी बड़ा होगा। अगर ए बी से आर परसेंट लेस है तो जाहिर सी बात है बी ए से बड़ा होगा। पूछा यही गया है कि बताओ बी ए से कितना बड़ा है। तो इसके लिए भी वही चीज़ बेसिक तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिक सीखनी है। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए बोलता है कि ए बी से 20% लेस है, तो बताओ बी ए से कितना ज़्यादा है। तो आर की जगह हम लोग 20 वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाई हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बी की सैलरी ए से लेस होगी। तो कह रहा है कि ए की सैलरी अगर बी से 25% ज़्यादा है तो बताओ बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। मतलब जो ए हुआ, ये हुआ बी, ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बी कम हुआ, तो बी की सैलरी कितने परसेंट कम है। तो इसको हम लोग अभी जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी है उससे सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में, लेकिन पहले देखते हैं कि बेसिक तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेते हैं बी की सैलरी है 100 रुपीस, तो ए की सैलरी बी से कितना ज़्यादा बता रहा है 25%, तो ए की सैलरी हो गई 125 रुपीस। अब कह रहा है कि बताओ बी की सैलरी ए से कितना कम है, ये वाली लाइन। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 125 माइनस 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इस वजह से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, ए से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए से डिवाइड करेंगे इनटू 100 इनटू 100। आंसर आ गया
20%। ठीक, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतने स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। R की जगह क्या है, जितना परसेंटेज दिया हो, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 25%, तो R की जगह हो गया 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100 इक्वल टू 20%। तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रिक अभी हम लोगों ने सीखी उसका यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर दो फॉर्मूले आपने बताए, एक में R अपॉन 100 प्लस R का यूज हुआ है और दूसरे में R अपॉन 100 माइनस R का यूज हुआ है, तो कब प्लस R वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब माइनस R वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे कि हमेशा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन के शुरुआत में पहली ही लाइन में इस जगह पे जो वर्ड यूज हुआ है वहाँ या तो मोर वर्ड यूज लिखा होगा, या तो लेस, या तो इंक्रीज, या तो डिक्रीज यूज हुआ होगा। जब भी मोर, मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, या इंक्रीज वर्ड यूज किया हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वहाँ पे लेस या डिक्रीज वर्ड यूज हुआ होगा तो लेस मतलब कम करना, डिक्रीज मतलब कम करना, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में बोला गया है प्राइस ऑफ द सुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंसेस। इसका मतलब समझते हैं कि मान लीजिए ये शुगर का प्राइस है और ये कंजम्पशन है, अगर शुगर के प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाए तो हम लोग कंजम्पशन कितना कम कर दें कि हमारा एक्सपेंस है वो ना चेंज हो। अगर हमें अपने खर्चे को कांस्टेंट रखना है और प्राइस शुगर का बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, और यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि हमारे खर्चे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसके दो तरीके हैं। मान लीजिए अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100 वाला फार्मूला वो आपको नहीं पता होता तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। पहले मानेंगे प्राइस इसका था 100 रुपीस और कंजम्पशन था 100 रुपीस। ठीक है, फिर आपने प्राइस को 20% से बढ़ा दिया तो प्राइस अब हो गया 120 और कंजम्पशन जो है वो कितने परसेंट रिड्यूस करनी पड़े, मान लेंगे एक्स परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप कैलकुलेट करके बेसिक मेथड से इसको आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक तरीके से तो आप सॉल्व करना जानते हैं, मैं केवल यहां पर आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उस ट्रिक को यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए आपने इस चीज को पकड़ लिया कि ऐसा तो नहीं कि इसमें R अपॉन 100 प्लस माइनस R वाली ट्रिक यूज हो रही हो, तो उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किन किन क्वेश्चंस में R अपॉन 100 प्लस माइनस R वाली ट्रिक यूज होती है। तो उस ट्रिक का यूज अगर करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%, तो 20 अपॉन 120 अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा 50/3%। एक लाइन में ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे इतनी बड़ी थ्योरी दे रखी है, इतने बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी R अपॉन प्लस माइनस R वाला फार्मूला यूज हो रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस से सीखेंगे कि कहाँ पे ये फार्मूला यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन की थ्योरी बिल्कुल अलग हो,
लेकिन फिर भी वहाँ पे ये ट्रिक यूज़ हो रही होगी, तो वहाँ पे आप कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी बात है पहचानना। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि देखो इस फॉर्मूले में केवल एक वैल्यू है परसेंटेज की, आर, आर वन आर टू नहीं है। यानी कि ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसमें परसेंटेज की एक वैल्यू दे रखी होगी, कोई भी एक वैल्यू होगी, और वो या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज। एक वैल्यू होगी परसेंटेज की, वो इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज। जैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, डायरेक्ट आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए और एक लाइन में आप इसे सॉल्व कर लेंगे।